तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले ब्लॉग में। और देखो, आज थंबनेल देख के समझ चुके हो क्या मैं कौन सा ड्यूटी जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मुझे जाना है इलेक्ट्रिक लोको में काम करने। पहली बार जिंदगी में, जब तक मैं ज्वाइन किया हूँ तब तक से अभी तक पहली बार मैं इलेक्ट्रिक लोको में जाने वाला हूँ यार। तो ऐसे डर तो लग रहा है। तो जैसे क्या होता है कि 18 महीने पर ट्रेनिंग ड्यू हो जाता है, तो अभी वर्किंग क्या है, कैसे है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इलेक्ट्रिक का, क्योंकि बस ट्रेनिंग हुआ है और 10 दिन का हैंडलिंग हुआ है। उसके बाद करेक्टली 2 साल तक मैं नहीं काम किया हूँ अल्को में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक में। तो अभी पता चला है कि ऐसे एक डीजल इंजन उसको खींच रहा है, वो दोनों शट डाउन है, क्योंकि अभी हमारे तरफ इधर इलेक्ट्रिक नहीं हुआ है। आगे सेक्शन में जैसे कि नांदेड़ डिवीजन भी अब हमारा इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है, तो उसमें जाना है मुझे। और मेरे साथ लोको पायलट भी रहेंगे। और पता नहीं कौन फोन कर रहा है। अच्छा ये देखो, मैं रेडी होने का अलार्म लगाता हूँ। जैसे कि मुझे 2 बजे जाना है, तो मैं 45 मिनट पहले अलार्म लगा देता हूँ, अगर खाना वाना बन के रेडी रहता है तब। तो अभी खाना वाना बन के मेरा रेडी है और खा पी चुका हूँ, सब चीज़ कर चुका हूँ, बस रेडी होना है और निकलना है। और उसमें क्या है कि देखो, 3 हेड है, मतलब ट्रिपल हेड बोलते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रिक लोको अटैच है। ऐसे है WAP-7 ऐसे कुछ करके है, जो कि पैसेंजर में यूज होता है। तो अभी शायद पैसेंजर का प्लान है इधर, तो मुझे वो लोग को पहुंचाने जाना है, उसमें मुझे पीछे बैठना है और उसका देखभाल करना है, बस यही काम है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो रेडी होंगे और जाएंगे। धक धक हो रहा है मुझे। तो मेरा इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग काफी 2-3 साल पहले हुआ था, तो अभी मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और ड्यू भी हो चुका है। जैसे अगर लगातार तुम 18 महीने तक काम नहीं करते तो ड्यू हो जाता है, तो मुझे सिर्फ उसमें बैठ के जाना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अभी जाएंगे और एक्सपीरियंस बताएंगे क्या होता है, कैसे मजा आता है। यार मुझे इलेक्ट्रिक में बहुत डर लगता है, क्यों वो बताता हूँ। पहले मैं रेडी हो लूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो देखो, रूम से निकल चुके हैं हम फाइनली। और कभी कभी बहुत दिन बाद अगर मैं ब्लॉग करता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, जैसे देखा वो, तो सब लोग मुझे देखेगा। देखो ये भी देख रहे हैं। तो जब मैं बहुत दिन बाद जैसे ब्लॉग करता हूँ तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है। हाँ, तो बात कर रहे थे फियर का यार, इलेक्ट्रिक लोगों से मुझे क्यों डर लगता है। तो इलेक्ट्रिक लोगों में देखो, जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक लोगों में क्या है कि उसमें यार 25,000 वोल्ट का पावर जाता है। समझ रहे हो, 25,000 वोल्ट मतलब अगर गलती से टच कर गया ना तो आदमी धुआं बन जाता है। इस बात का डर लगता है कि कब कहाँ से और कैसे क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। और एक चीज़ का डर है, क्योंकि एक बार मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग पे था, तो उस टाइम पे मुझे गलती से एक जगह पर टच हुआ था इधर इल्बो में, तो बहुत झटका लगा था, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर थे हम लोगों के, कृष्णा सर, वो बोलते रह गए कि राजीव जाओ, कुछ नहीं होता, जाओ कुछ नहीं होता। मैं नहीं गया सर, आप कुछ जो भी अच्छा लगे, गलती लगे, मैं नहीं जा रहा। तो उसके बाद से मेरे मन में ऐसे इलेक्ट्रिक लोगों को डर हो गया लेके। तो हाँ, अभी निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक ड्यूटी के लिए पहली बार, तो जाते हैं और देखते हैं क्या हाल है। एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा औरंगाबाद पहुंचने के बाद। और ये भी नहीं पता है कि वहां से जैसे अगर निकलेंगे तो वहां से पायलट आना है या वहां से, जहां तक चांस रहते हैं कि औरंगाबाद से कभी किसी को पायलट नहीं मिलता है, तो पायलट तो नहीं मिलेगा। तो चलो ठीक है, मैं लगभग 15 मिनट पहले निकला हूँ जाके साइन ऑन वगैरह करने के लिए। तो मिलते हैं सीधा कहाँ पे, समझ रहे हो, औरंगाबाद में। देखो अभी 2 मिनट पहले मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, जो उसमें बारिश नहीं हो रहा था, अब बारिश होना स्टार्ट हो गया। मेरा वो हैंड वाला बैग रह गया, अब ना मेरे पास छाता है ना क्या बोलते हैं यार, रेन कुछ नहीं है। तो चलो देखते हैं, और इलेक्ट्रिक लोको बारिश के दिन में और ख़तरनाक होता है, तो आज मेरा लगेगा, लग रहा है। ठीक है, बारिश थोड़ा सा ही हुआ, बंद भी हो गया, डराने के लिए आया था मुझे। लॉबी पहुँच चुका हूँ मैं। तुम लोगों से मिलेंगे कहाँ, औरंगाबाद में, अगर जिंदा बच गए तो। फीलिंग तो यही आ रहा है मुझे। तो देखो, आ चुका हूँ मैं रनिंग रूम, दिख ही रहा होगा। और ये हमारा बेड वेड लग चुका है, और मैं थोड़ा सा अभी फ्रेश व्रेश होएंगे और उसके बाद जाना है मुझे खाना खाने। जैसे कि पता है औरंगाबाद रनिंग रूम में खाना वाना तो नहीं है, बस ये है ऐसा टेबल कि थाली वाली रखा रहता है, नमक वमक रख दिया,
अपग्रेड हो गया है, नंबर रख दिया है। तो उसके बाद अब राकेश भाई के रूम पे जाएंगे, और कॉल वॉल कर लिए थे कि खाना वाना वहीं पे बन रहा है तो वहीं पे जाना है। तो वेट बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ड्यूटी हमारा कैसा रहा। आराम से तुम्हारा तो अच्छा खासा दिन चला गया, अच्छा खासा दिन चला गया तू। हाँ रीसेट मारवा, फोन तो फ्रेश चल भी करे, रीसेट मारवा तो। तो यार देखो, ओवर ब्रिज पे चढ़ के जा रहे हैं अंधेरे में, और पता नहीं किसका फोन आ गया। हेलो, नहीं अभी जा रहे हैं ना राकेश भाई के रूम पे, दो मिनट लाइन पे रहो, ब्लॉग शूट कर लें। तो देखो, एक उधर शॉर्टकट रास्ता है, मैं उधर से जाना प्रीफर नहीं किया क्योंकि रात को जाना सेफ नहीं है, तो इधर से जा रहा हूँ मैं। ये देखो ओवर ब्रिज शानदार है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा, इलेक्ट्रिक ड्यूटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जी हो रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि डेढ़ लोगों है, तो डेढ़ लोगों में मस्त आया मैं बैठ के, और मेरे साथ मेरे सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए एलआई साहब भी आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ गया। बस ये कि इलेक्ट्रिक का कुछ काम नहीं था, बस उसमें बैठे रहना था और तो कुछ करना नहीं था। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से, क्या बोलते हैं, राकेश भाई के रूम में, मिलते हैं वहीं पे। दूसरे के रूम पे आए हैं क्या? राकेश भाई, हैप्पी बर्थडे, एक दिन लेट। गुस्सा मतलब तुम अंदर आओ, पैर चपड़ा करना। अरे खाना आ गया, पापड़ी बना, राकेश भाई का बनाया हुआ खाना है, जला हुआ भुजिया है। 15 घंटा सर, सौ एक को रोटी बढ़िया नहीं है, एक को रोटी बढ़िया नहीं है। बोलिए जल्दी भाभी को आने के लिए, जल्दी बोलिए भाभी को आने के लिए, कम से कम थोड़ा बढ़िया खाने मिलेगा, बुलाएंगे ना रूम पे। हाँ पूछना है, पूछ के ही ना आएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे? अरे पूछने का जरूरत नहीं है। राकेश भाई से उम्मीद है, साला बाकी सबका, सबको बोल रहे जो ब्लॉग देख रहे, साला जिसका शादी हुआ है, साला सब सन्नी भाई। राकेश कुमार गुप्ता भूख बहुत जोर से लगा हुआ है, तो बस अब खाते हैं। पार्टी शार्टी के मामले में मेरा किस्मत बहुत बढ़िया रहता है, पार्टी शार्टी के मामले में बहुत किस्मत मेरा बढ़िया रहता है। पार्टी का पहले तीन बार चिकन बन रहा है, और हम बड़ा रॉन्ग टाइम पे आ गए हैं। संतोष जी बोल रहे हैं हिस्सेदारी लगाने आ गया है, हम बड़े गलत टाइम पे आ गए, हम चिकन बना रहे हैं, हम हिस्सा बांटने आ गए। यही बात है, बैचलर लोग का यही रहता है। बड़ा सही टाइम पे आए हैं, राकेश भाई के साथ खाना खा लिया, अब चिकन का वेट हो रहा है, चिकन खाएंगे। क्रेडिट संतोष जी को देंगे, संतोष जी बढ़िया आदमी है। तो यहाँ से अब सीधा जा रहा है, नींद बहुत जानते हैं, बहुत तेज आ रहा है, अब सोएंगे जाके रूम पे, मिलेंगे तुम लोगों से सीधा सुबह में ही। तो देखो यार, कॉल वो हमको मिल चुका है, और हम खाने के लिए भी फोन कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे पैक करने वाले लोग पहुँचाते हैं पार्सल वार्सल। 9 बजे जाना है, और RMT काम करना है सुबह सुबह, 9 बजे जाएंगे यहाँ से कोड़ी, और RMT काम करेंगे, जो वायर वायर लग रहा है इलेक्ट्रिक के लिए, कल देख मैं इलेक्ट्रिक लोकल लेकर आया, तो उसी के चलने का व्यवस्था करने जाना है, समझ रहे हो? तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पियेंगे, और टाइम हो रहा है
26 मतलब 40 मिनट टाइम है, 1 घंटा 40 मिनट बहुत ज़्यादा है यार, ठंडा लग रहा है औरंगाबाद में, यही दिक्कत है। तो ठीक है, TN मिल चुका है, जाना है, और EDP के लिए मैं बात कर चुका हूँ कि बीच रास्ते में काम करना, फिर वहीं से शायद पूना चले जाएंगे अगर इधर कुछ लेकर नहीं आना होगा तो। तो ठीक है, तुम लोग से मिलते हैं ज़्यादा टाइम। जाने का तो टाइम हो गया है लेकिन खाना लेके अभी तक आया नहीं जिसको ऑर्डर किया था मैं, तो उसका वेट कर रहे हैं, वो आएगा तो रेडी हो लेते हैं, तब तक नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, कहीं जाके चाय भी पीना है बाहर में, समझ रहे हैं। तो देखो हम निकल चुके हैं सुबह के 9 बजे ड्यूटी पे, और यार खाना वाला अभी तो खाना लाया ही नहीं, और अब मेरे साइन ऑन में 20 मिनट का टाइम है, और मैं उसको बोलने वाला हूँ कि भाई लॉबी में लेके आ सकता है तो आ जा, नहीं तो बाहर में जा। यार बहुत पहले उसको बोल दिया था मैं, बोला 9 बजे मुझे जाना है, वो सोचा 9 बजे खाना लेके आना है, तो ये गड़बड़ हो गया, फ़ोन लगा रहा हूँ तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं 20 मिनट पहले निकल गया कि देखता हूँ अगर कुछ खाने मिलता है तो खा भी लेंगे, और नहीं तो फिर ऐसे ही चले जाएंगे। शायद ला रहे हैं भाई, खाना ले आए क्या? अरे आपके इंतजार में कब से बैठे हुए हैं, देखो अभी ले जा रहे हैं। हाँ कौन सा है? हाँ हाँ मेरा ही है, वेट। चलो खाना तो आ गया मेरा, ये अच्छा चीज़ है यार, यहाँ से ले जाना पड़ता है, तो अब ये सिस्टम मुझे पहले से पता नहीं था कि कॉल कर दो तो ये लोग खाना भी ला देते हैं। जैसे रात में कल मैं 10 बजे आया तो मुझे जाना पड़ा राकेश भाई के रूम पे खाना खाने, फिर 12 बजे मैं आके सोया, और भाई साहब मैं इतना थका हुआ था पता है, एक बार ऐसे आँख बंद किया 12 बजे आके तो सीधा कॉल बुक से ही जगाऊँ, एक बीच में मुझे लगता है ऐसे सोया तो ऐसे ही था, ऐसे भी नहीं हुआ, तो लोगों को लगता होगा कि लोगों में बैठना ही तो रहता है, लेकिन भाई थकान कितना हो जाता है लोगों में सिर्फ बैठने से ही, पता नहीं क्यों। तो है यार टफ ड्यूटी है, आना चाहते हो आओ मजे लो, फिजिकल ज़्यादा मेहनत नहीं है, पता नहीं मेंटल प्रेशर की वजह से आदमी थक जाता है या लोगों में ट्रैवल करते करते थक जाता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, तुम लोगों को कुछ पता हो तो बता देना। तो हाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, औरंगाबाद में थोड़ा सा खाना नहीं मिल पाता ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, औरंगाबाद आते हैं तो किलोमीटर भी ज़्यादा, हमारे यहाँ से 202 किलोमीटर है तो 289 किलोमीटर्स बनता है, तो चलो ठीक है अब जा रहा हूँ मैं, साइन ऑन करता हूँ और देखते हैं कब तक ड्यूटी ख़त्म होता है, रूम पे कब तक पहुँचेंगे, मिलते हैं। देखो यहाँ से अब मैं पायलट जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से अब रूम पे, फिर भी कुछ बातें मैं ट्रेन में शांति से बैठे बैठे सोच रहा था सफ़र करते करते, कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारा तो मज़ा है भगवान से भेंट हो गया नौकरी में आने के बबाद, तो बाबू इट्स नॉट ए 9 to 5 जॉब, आना चाहते हो ना जिस दिन आओगे उस दिन समझ जाओगे कि कितने मजे हैं और कितने सजे हैं। यार 2 बजे रात को फ़ोन करके बुलाते हैं आ जाओ, और जाना पड़ता है, नींद सबको प्यारा होता है, ALP में आओगे तो सोच समझ के आना, ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।